जलसा फैमिली रेस्टोरेंट आसवानी परिवार की ओर से चंद्रपुर वासियों के लिए एक और लज्जतदार भेंट। जलसा फैमिली रेस्टोरेंट में शानदार आउटडोर गार्डन सेटिंग के साथ आप पा सकते हैं लग्जरियस एसी फैमिली सिटिंग हॉल। अतीत की यादों के रिक्शे के साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक से एक फोटोग्राफी पॉइंट्स। स्वादिष्ट वेज नॉन वेज खाने के साथ उत्तम सर्विस का वादा। बर्थडे पार्टी, बीसी पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए उत्कृष्ट स्थान। मित्र और परिवार के साथ पधारकर एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आप बार बार आएंगे। जलसा फैमिली रेस्टोरेंट लोहारा पीएचसी और अंकित पेट्रोल पंप के पास लोहारा मूल रोड चंद्रपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9518554308। चंद्रपुर जिले में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की ने आत्महत्या करने से पहले अपने प्रेमी के साथ लॉज में नाइट स्टे किया था। बता दें कि लड़की ने युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। बदनामी के डर से लड़की ने ये कदम उठाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने बीते सोमवार को बल्लारपुर शहर के एक लॉज में 19 साल के युवक के साथ रात बिताई थी। इसके बाद युवक ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। मिली जानकारी के अनुसार दोनों 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद युवक ने लड़की को घर छोड़ दिया है। लड़की के परिजनों ने उससे सवाल किया कि वो कहां थी। इस पर लड़की ने नई कहानी बनाई और बताया कि 4 लड़के जबरन उसे उठाकर ऑटो में जंगल ले गए और उसके साथ बलात्कार किया है। मामले पर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो लड़की ने सच कबूला। लड़की ने युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन बदनामी के डर से लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि लड़की की मौत के बाद पुलिस ने गुरुवार को लॉज के मालिक और प्रबंधक को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन पर नाबालिग लड़की को लॉज में एंट्री और स्टे करने देने का आरोप है। लड़की के साथ में बलात्कार और उसके बाद में लड़की ने आत्महत्या की घटना सामने आई। क्या है पूरी घटना? दिनांक 2 सितंबर की मध्य रात्रि में पीड़िता जो अल्पवयीन लड़की है उसको उसका दोस्त शुभम दोपहरे उसको बैला फसला के बल्लारपुर के शांति लॉज पे लेके गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही खबर सामने आई उसके हिसाब से पुलिस स्टेशन बल्लार शामिल अपराध क्रमांक 864/2024 BNS सेक्शन 64 और पोक्सो के तहत गुना दाखिल हुआ और कल रात को ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। आज दोपहर 12 के करीबन पीड़िता ने रहते घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। जो उसकी जांच पड़ताल हो रही है, आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लॉज मालिक की कार्रवाई? लॉज मालिक और उनका मैनेजर, उनके दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी उसमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। माना पालाचा ना त्यागो त्याचा पसारा लई बाई वाढला रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला लगीन घाई सुचून देई खरे दिने पना काढला खरे दिला वरसी दिने साहनवा आणला बांधला बसता बांधला